तो जैसा कि हम बता रहे थे, जब एक हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है लाइक एयरटेल, कोई भी एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जिसमें हजारों लाखों कस्टमर होते हैं, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर जब होते हैं तो उनमें से एक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कस्टमर जो होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ मान लीजिए 100 या 500 या 1000 लोग का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, 100 500 हज़ार लोगों का बैलेंस कट गया है, 100 500 हज़ार का कॉल नहीं लग रहा है, किसी का नंबर डीएक्टिवेट हो गया है। तो जब सारे लोग को जब प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं, कस्टमर सपोर्ट का नंबर ढूंढते हैं ऑनलाइन या फिर उनके पास ऑलरेडी होता है, वो फ़ोन घुमाते हैं, कॉल करते हैं, कोई कॉल करेंगे कस्टमर केयर को डायरेक्टली कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, कोई ईमेल करेंगे कि ईमेल में मेंशन करेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोई डायरेक्टली जाएगा अपना एयरटेल के कोई भी रिटेल शॉप पे जाएगा, वहां पे जाके डायरेक्टली अपना कंप्लेन रजिस्टर करेगा। तो जब इतना सारा कंप्लेन एक साथ में आने लगता है बल्क में, और जब कस्टमर्स अपना अपना प्रॉब्लम बताते हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अब हजारों लाखों लोग को जब प्रॉब्लम हो रहा है और वो जब अपना प्रॉब्लम एयरटेल को बता रहा है, तो एयरटेल को उतना सारा प्रॉब्लम लिख के रखना होगा, लिख के रखना होगा, प्लस उनके कॉन्टेक्ट्स के साथ लिख के रखना होगा, प्लस उनको ये मेक श्योर करना होगा कि हर प्रॉब्लम का एक टाइम देना होगा ना, कि आज आपका प्रॉब्लम हुआ आप तो चाहेंगे कि आपका जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वो उसमें टाइम मेंशन करेगा कि हाँ 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, तो वो सारा टाइम मेंशन करेगा। फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर लेगा जिससे कि वो रिप्लाई करेगा कस्टमर को, आइदर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, कि हाँ आप सर आपको जो प्रॉब्लम रेज किए थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये इतना सारा प्रोसेस है जो भी इश्यू आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है कस्टमर्स को, उसको हैंडल करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसमें बात करते हैं इस यूनिट की। यूनिट बोलता है ऑटोमेट योर बिजनेस प्रोसेस। ऑटोमेट योर बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि अपने अभी जो आपका बिजनेस का प्रोसेस है, हर हर बिजनेस का एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करेंगे। अब जैसे एयरटेल में जब हम बताएं अभी प्रॉब्लम का, इसका एक प्रोसेस होगा कि जो कस्टमर है वो या फिर एयरटेल के शॉप पे जाए या ईमेल भेजे या कॉल करे। तो प्रोसेस ये होगा कि जहाँ से भी कंप्लेन आ रहा है उस कंप्लेन को हम नोट डाउन करें, और कंप्लेन को नोट डाउन करके उसका सारा डिटेल कैप्चर करें, और कैप्चर करके हम उसको उसका एक रिकॉर्ड बना ले, ताकि उस रिकॉर्ड के थ्रू हम उस इश्यू को फिर एक रेलेवेंट टीम को दें। जैसे मान लीजिए इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ तो हम एक इंटरनेट का टीम बैठा होगा उसको देंगे, अब बैलेंस कटने का इश्यू है तो बैलेंस कटने वाले टीम को देंगे, अब अकाउंट एक्टिव करना है जो बहुत 6 महीने से रिचार्ज नहीं किया डीएक्टिवेट हो गया है उसको दे दिए, या पोर्ट इन करना है हमको एयरटेल से स्विच करके जियो में जाना है, तो हर एक रिक्वेस्ट का हर एक कंप्लेंट का एक टीम होगा। अब उस टीम के बाद जब रिक्वेस्ट जाएगा तो वो टीम क्या करेगी, उस रिक्वेस्ट पे काम करेगी जो भी प्रॉब्लम उनको असाइन होगा। अब जब उस पर प्रॉब्लम पे काम करेगी वो टीम फिर वापस से अपने कस्टमर सपोर्ट को बताएगी, अपडेट देगी कि हाँ ये जो प्रॉब्लम था ये हो गया है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो किसी भी चीज़ का प्रोसेस होता है, मतलब हर एक काम का, पढ़ाई का एक प्रोसेस है, खाना बनाने का एक प्रोसेस है, उसी तरह से बिजनेस का अपना एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे इस यूनिट में हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करते हैं हम। ठीक है, ऑटोमेशन करने के लिए बहुत सारा तरीका है, और इसमें हम लोग यहाँ पे आज दो तरीका सीखेंगे। एक होता है क्रिएट असाइनमेंट रूल्स और एक होता है क्रिएट एस्केलेशन रूल्स। तो असाइनमेंट रूल्स और एस्केलेशन रूल्स क्या होता है? असाइनमेंट रूल्स क्या होता है कि असाइनमेंट रूल्स डिफाइन कंडीशंस दैट डिटरमाइन हाउ लीड्स और केसेस आर प्रोसीडेड और आर प्रोसेस्ड। यू हैव बीन आस्क्ड बाय कस्टमर सपोर्ट टीम मैनेजर केनिया कॉलिंस टू एस्टेब्लिश केस रूल्स सो बिलिंग केसेस आर राउटेड टू द करेक्ट क्यू। अब आप लोगों को याद होगा कि पहले हम बताए थे कि जब भी कोई कंप्लेन रजिस्टर करते हैं तो आपको कंप्लेन नंबर मिलता है। अब वो जब कंप्लेन नंबर मिलता है तो कंप्लेन नंबर देने के बाद वो कस्टमर सपोर्ट का जो बंदा या बंदी होते हैं वो उस कंप्लेन को फिर आगे बढ़ाते हैं एक अपने रिलेवेंट टीम को देने के लिए कि हाँ भाई ऐसा प्रॉब्लम आया है, ये आप प्रॉब्लम पे काम करो। तो यहाँ पे सेल्सफोर्स में क्या होता है कि उन सभी प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम जो कंप्लेन नंबर होता है वो किसी रिकॉर्ड पे ही जो जनरेट करना होगा ना, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसा कि हम एक्सेल में बताए थे आप लोगों को एग्जाम्पल में कि एक्सेल में हम लोग सारा चीज कैप्चर कर रहे हैं, तो उसमें से केस एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है, केस एक स्टैंडर्ड लाइक एक्सेल सीट टाइप एक रिकॉर्ड कैप्चर करता है जिसमें कि नाम आपका लेगा, आपका
प्रॉब्लम को कैप्चर करेगा, मोबाइल नंबर लेगा, कब आपको सॉल्व करके देगा प्रॉब्लम वो, आपका एड्रेस, ये सारा इंफॉर्मेशन जब कैप्चर कर लेगा फिर आपको एक कंप्लेन नंबर देगा। कंप्लेन नंबर कैन बी डिपेंडिंग ऑन कि हाँ वो कैसे कंपनी कंप्लेन नंबर मेंटेन कर रहा है और क्या कंप्लेन नंबर जनरेट कर रहा है। तो ऐसा ऐसा मतलब बहुत लोग का कंप्लेन होगा, कंप्लेन जो भी है कंप्लेन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये जब ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो क्लाउडसेंस का जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है वो केस है। इसमें अब हम कर लिए, जैसे कि मान लीजिए राम कुमार, अब राम कुमार एक बंदा है जिसको की प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का, उसका एक ऑटोमेटिक केस नंबर जनरेट हो गया, उसका कंप्लेन डिस्क्रिप्शन है इंटरनेट नेट नॉट, मोबाइल नंबर कुछ डाल दिया कि कॉल बैक करेंगे उसको जब प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें एक डेट दे दी कि हाँ आपका प्रॉब्लम जो है 19 दिसंबर 2021 को सॉल्व हो जाएगा, एड्रेस में वो कुछ भी डाल दिया। सही है आपको, ठीक है। जब ये रिकॉर्ड एक बना तो एक एक आदमी कॉल किया, उस पर ऐसे ऐसे डिटेल भी आ। अब ये जो इश्यू हुआ, ये इश्यू को किसी को तो असाइन करना होगा ना, जैसे कि ओनर कौन होगा इसका। अब मेरा एक टीम है जो टीम में आदमी काम कर रहा है तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो कोई टेक्निकल बंदा को देंगे, तो टेक्निकल बंदा का एक ग्रुप होना चाहिए। एक आदमी अगर बैठ के काम करेगा तो हजारों आदमी को तो काम सॉल्व नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या करता है कि कोई भी काम के लिए एक 2 4 5 लोग का टीम होता है। अब हम उन 2 4 5 लोग का टीम में एक टीम लीड होगा जो उस टीम को लीड कर रहा हो, क्योंकि अगर हम 5 5 लोग हैं एक टीम में और उस टीम का में हमको ऑलरेडी 10 इश्यू आया हुआ है, तो उस टीम को मैनेज करने के लिए एक आदमी होगा जो बोलेगा कि ठीक है ये 5 इशू तुम अभी देखो, बाकी 5 इशू को तुम ऐसे ऐसे असाइन करना है। तो जो भी होगा तो उसको हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसी तरह से हम लोग एक एक ग्रुप बना लेंगे, उसका नाम रख देंगे टेक्निकल टीम। तो इस जो ये जो ग्रुप बनाते हैं सेल्स फोर्स में, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप बोलते हैं, उसी तरह से सेल्स फोर्स में जब ऐसा ग्रुप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूज, ठीक है, Q-U-E-U, ठीक है, उसको क्यूज बोलते हैं। अब जैसे ही इस क्यू पे गया कोई, तो इसका जो मैनेजर होगा वो मैनेजर क्या करेगा, जो टीम लीड होगा वो क्या करेगा, इश्यू उठाएगा कि अच्छा राम कुमार का इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, जिस जो भी एक एक्शन ऑनर होगा उसको जाके असाइन कर देगा कि ठीक है राकेश तुम ये काम देख लो, जस्ट सॉल्व कर पा लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल राहुल कुमार को एक इशू आया, इसको भी एक कंप्लेन नंबर रजिस्टर करके दे दिए, इसका प्रॉब्लम है कि इसका इसका फॉर एग्जांपल पोस्टपेड है तो बिल नॉट जनरेट, पोस्टपेड है और इसका बिल ही जनरेट नहीं हुआ इस मंथ का, बिल जनरेट नहीं हुआ तो इसको अब कंप्लेन किया कि भाई मेरा बिल जनरेट नहीं हुआ, आप लोग इसको भी डेट दिया सेम डेट 19 को ही देंगे, ये भी मान लीजिए रातू रोड कहीं है, ठीक है। तो अब जब ये बिलिंग से रिलेटेड है तो बिलिंग का एक अलग टीम होना चाहिए, जो बिलिंग का अलग टीम होगा तो उसका एक बिलिंग टीम का साइन होगा, बिलिंग टीम का भी जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, उसका जो अंदर में कोई आदमी है उसको दे देगा, तो मान लीजिए पूजा कुमारी कोई है जो बिलिंग संभाल रही है, उसको ये मैनेजर जो है असाइन कर दिया। ऐसे ऐसे समझिए यहाँ पे मतलब हजारों ऐसा ऐसा डेली केस बनता होगा। तो अगर इसको एक्सेल में हम मेंटेन करें तो ये इजी है मेरे लिए देखने के लिए कि हाँ हम भाई इसमें स्टेटस भी होगा, एक स्टेटस होगा कि हाँ ये अभी ओपन है, ये अभी इन प्रोग्रेस है, ये एक प्रोसेस हो गया ना। तो इस पे अब हम कहीं भी हैं कब कुछ भी है फिल्टर लगा के हम चेक कर सकते हैं, हाँ कौन कौन सा ओपन है, गए यहाँ से ओपन वाला देख लिए, अच्छा एक ही ओपन है, ये देखेंगे अच्छा कौन कौन सा इन प्रोग्रेस है, तो यहाँ पे गए देखे अच्छा ये इन प्रोग्रेस है। तो इस टाइप से जो जो भी मैनेजर होगा या जो भी इन सभी टीम्स का जो हेड होगा, क्योंकि अब टीम टीम है, टीम में टीम मेंबर है, टीम के ऊपर टीम मैनेजर है, टीम लीड है, तो टीम लीड का एक मैनेजर होगा, उस मैनेजर के ऊपर होगा जनरल मैनेजर जो भी, तो उन सभी सभी को एक रिपोर्ट डालना पड़ता होगा डेली कि हाँ भाई इतना काम हुआ, इस काम में क्या क्या कैसे कैसे काम किया आप लोग।
तो कहने का मतलब ये है कि जब इतना सारा काम अब डेली इतना रिक्वेस्ट अगर आने लगे, 1,000, 1,500, 2,000 और लाखों रिक्वेस्ट आने लगे, तो कैसे इन सभी रिक्वेस्ट को हम ऑटोमेटिकली कैप्चर करें, ताकि हमको मैनुअली ऐसे जैसे हम टाइप किए सब कुछ मैनुअली कैप्चर किए। अगर हम एक्सेल फाइल लेके बैठेंगे तो टाइप करना पड़ेगा हर एक चीज़ बार बार, तो कैसे इस मैनुअल वर्क को बचाएं हम ऑटोमेट कर दें कि हमको जब भी काम पड़ा तो डायरेक्टली वो ऑटोमेटिक असाइन हो जाए। तो अगर बिलिंग से रिलेटेड कोई हो तो डायरेक्ट वो बिलिंग टीम को चल जाए, अगर इंटरनेट से रिलेटेड हो तो वो डायरेक्ट टेक्निकल टीम को चल जाए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कैसे हम लोग काम को करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आता है क्रिएट असाइनमेंट रूल्स। असाइनमेंट रूल्स क्या करेगा, ये जितना भी केस बनेगा सेल्सफोर्स में, वो सारा केस कस्टमर सपोर्ट टीम, देखिए जो मैनेजर है ना, कस्टमर सपोर्ट टीम का जो मैनेजर है केन्या कॉलिंस, वो क्या करेगा, रूल बना देगा, ठीक है। रूल बनाएगा कि जब भी ऐसा कोई इशू आएगा तो इस इशू को कहाँ भेजना है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल का बात कर रहा है, ये बिलिंग सपोर्ट का बात कर रहा है, मतलब बिलिंग से रिलेटेड जो इशू आएगा उसका बात कर रहा है। तो अभी इस एग्जाम्पल में हम लोग का जब भी बिलिंग में प्रॉब्लम होगा, तो बिलिंग में प्रॉब्लम होने के बाद कैसे करना है, तो अब यहाँ पे बता रहा है कि क्लिक द गियर सपोर्ट, अब हम लोग को बोल रहा है जाने के लिए ऑर्ग में, ठीक है। ऑर्ग में जाएंगे हम लोग, ऑर्ग में जाने के बाद ये हम लोग कोई भी ऑर्ग खोल लेते हैं, जहाँ पे भी समझ में नहीं आए हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ना हो कि हम बता रहे हैं और वो समझ में नहीं आ रहा है और फिर भी मतलब उसको मतलब नहीं बोलना है, क्योंकि फिर वो कोई फायदा नहीं है ना, हम अच्छे से बताएंगे और दूसरा एग्जाम्पल लेके बताएंगे, तो बताइएगा जब समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तक समझ में आया दीपक, संध्या, रोहित? सर। ओके ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सेटअप में जाएंगे गियर आइकन से, सेटअप में गए, यहाँ पे सेटअप में क्लिक किए, अब हम यहाँ पे ये तो समझ गए ना कि ये जो क्रिएट असाइनमेंट रूल से ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, जब बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है मेरा डेली, तो उस रिक्वेस्ट को कैसे हम ऑटोमेटिकली सिस्टम में उसका जो जो टीम है वो टीम में डायरेक्ट असाइन हो जाए, जो भी केस क्रिएट हो, ठीक है, तो हमको बार यस बार टीम में असाइन ना करना पड़े, तो ये असाइन करने का है वो, और ये जो ओनर है वो असाइन करने का है। अब हम लोग यहाँ पे आए, अब इसको सेटअप करते हैं, तो अभी बोल रहा है क्लिक किया सेटअप, सेटअप, अब यहाँ पे इंटर क्यूज में जाना है, यहाँ पे हम लोग क्यूज में जाना है, तो क्यूज क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। क्यूज क्या होता है, ये सेल्सफोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, सेल्सफोर्स में जैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें भी ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का काम कुछ और होता है, इस ग्रुप का काम मतलब हर एक चीज का काम अलग टाइप से होता है। तो ये ऐसा है कि इसमें लिस्ट ऑफ बहुत सारे लोग होंगे और उन सभी लोगों को हम अपना काम असाइन कर सकते हैं। अब न्यू पे क्लिक कर, अब हम लोग को यहाँ बता रहा है बनाने के लिए कि ये जितने भी बिलिंग में लोग सपोर्ट करते हैं, बिलिंग में जितने भी सपोर्ट पर्सन है सबको यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे बिलिंग सपोर्ट का नाम डालेंगे, जो ये जो क्यू होगा, ये जो ग्रुप होगा इसका नाम डालेंगे बिलिंग सपोर्ट एजेंट्स। अच्छा, आज हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बोल के बता रहे हैं और ग्रुप ग्रुप यूज कर रहे हैं वर्ड, कल को डेट में ग्रुप करके भी फंक्शन है यहाँ पे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, क्यूज क्या होता है, इसमें सेट ऑफ पर्सन को हम लोग डाल सकते हैं, सेट ऑफ यूजर्स को अभी अभी ध्यान में रखिए, बस यूजर्स को आगे और भी सीखेंगे हम लोग, जैसे पब्लिक ग्रुप्स, रोल्स, रोल्स एंड सबॉर्डिनेट्स, जब ये सब पढ़ेंगे उस समय उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि वो सब क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि क्यू एक एक क्यू एक बेसिकली एक ग्रुप है, एक रिकॉर्ड बनाएंगे क्यू पे जो कि हम लोग लिस्ट ऑफ यूजर्स को उसमें असाइन कर सकते हैं। अब चूंकि हम ये क्यू केस के लिए बना रहे थे, यहाँ पे केस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बताना पड़ता है कि जो क्यू बना रहे हैं आप किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, तो हमको बताना पड़ता है कि अच्छा ये केस के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो क्यू यूज होगा वो केस के लिए यूज होगा, तो यहाँ पे केस करके यहाँ ड्रैग कर दिए, ठीक है। क्यू नेम डाल दिए, ऑटो पॉपुलेट हो गया, सेंड ईमेल इसको डिसलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट केस सेलेक्ट कर लिए, अब ऐड में क्लिक कर देना है, तो सेंड ईमेल को हम हटा देते हैं, सेंड ईमेल ऑलरेडी हटा हुआ है। अब यहाँ पे मेंबर डालने के स्टेप्स बताया नहीं है, मेंबर बाद में भी डाल सकते हैं आप, अच्छा यहाँ पे दिया मेंबर डालने का, चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे इतना हो गया, क्लिक ऐड मूव केस कर दिए, ये ऐड पे क्लिक कर दिए, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बता रहा है कि इन अ क्यू मेंबर सेक्शन सर्च यूज, अगर यूजर डालना है यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम लोग डालना है ये दो बंदे को, एरोन एंड फूमिको, एरोन फूमिको को ढूंढना। अच्छा अभी ये क्योंकि
जो आप लोग अगर स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे ना, तो ये यूजर्स आप ऑलरेडी बना चुके होंगे जब यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हम एक दूसरा ऑर्ग यूज कर रहे हैं। इस ऑर्ग में मेरा वो यूजर बना हुआ नहीं है, तो हम ये भी कोई भी यूजर ले लेते हैं, लाइक ये दो फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं अपना ये ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पे बस मोटिव ये है कि यूजर ऐड करना है। अब अगर यूनिट से जाएंगे तो ये यूजर्स ऑलरेडी आप बना चुके होंगे पहले, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए मेंबर को सेव, अब यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है सेव। तो इस पूरे एक्शन को करने से क्या हुआ, मेरा एक क्यू बन गया, और क्यू जो बना वो केस ऑब्जेक्ट के लिए बनाए हम, इसका नाम रखे बिलिंग सपोर्ट एजेंट्स। अब कल को डेट में जब भी ये असाइन होगा ये क्यू किसी भी केस को, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये जो है इसके अंदर जो भी दो आदमी लोग होंगे, जो भी यूजर्स होंगे, उनको ये असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें से हो सकता है सपन मैनेजर है और समंथा जो है वो काम कर रही है एज अ टेक्नीशियन, या फिर एज अ डेवलपर, एज अ बिलिंग पर्सन, जो भी, तो वो इस टाइप से होगा। तो सब दोनों को पता चलेगा अच्छा एक नया नया केस आया। अब यहाँ से हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देन एड अ न्यू रूल एंट्री टू द स्टैंडर्ड केस असाइनमेंट रूल टू राउट बिलिंग केसेस टू सपोर्ट बिलिंग। अच्छा, अब यहाँ पे एक्चुअली में जो असाइनमेंट रूल है वो बना रहे हैं हम लोग। अब ये असाइनमेंट रूल हम लोग बनाएंगे क्यों, क्योंकि हम लोग का जो भी केस बनेगा, वो केस बनने के बाद कैसे उस वो केस ऑटोमेटिक असाइन हो जाए किसी को, उसके लिए यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट रूल बनाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है उस पर गए हैं केस असाइनमेंट रूल पे, स्टैंडर्ड केस असाइनमेंट लिंक क्लिक एडिट। ठीक है, स्टैंडर्ड पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, एडिट पे क्लिक करना है, फिर एक्टिव चेकबॉक्स को ओके, इसमें चेक करना है कि एक्टिव चेकबॉक्स जो है वो टिक्ड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, चलो ऐसे भी सेव कर देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है हाँ नया रूल, अब इसमें नया रूल एंट्री करते हैं। अब देखिए, इसमें एक ट्रिकी पार्ट ये है कि जो केस क्रिएट होगा, जो प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम नंबर क्रिएट होगा, वो असाइन कैसे किसको करना है, उसके लिए हमको बताना होगा कि अब चूंकि ये हम जो क्यू बनाए, ये बिलिंग सपोर्ट क्यू बनाए, तो अगर हम एग्जांपल पे जाएंगे तो हम ये नहीं चाहेंगे ना कि इंटरनेट जो काम नहीं कर रहा है वो बिलिंग को चला जाए, क्योंकि तो वो तो गलत हो जाएगा। इंटरनेट काम करने वाला तो टेक्निकल टीम को जाना चाहिए, बिलिंग टीम को क्या जाना चाहिए, जो बिलिंग जनरेट हो रहा नहीं हो रहा वो ऐसा वैसा रिक्वेस्ट, या बिलिंग जनरेट बिलिंग से रिलेटेड जो भी है वो बिलिंग टीम को जाना चाहिए। तो हमको वैसा, अब केस तो केस है, केस ऑब्जेक्ट तो चेंज हो रहा है, सेम केस ऑब्जेक्ट में ही मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, मल्टीपल कंप्लेन नंबर जनरेट करके दे रहे हैं, तो एक ही केस ऑब्जेक्ट में जब इतना सारा काम हो रहा है, तो हमको सिस्टम को बताना होगा कि हाँ जब ऐसा बिलिंग से रिलेटेड केस जनरेट हो तभी वो बिलिंग क्यू में जाए। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक न्यू एंट्री डालना है उसमें। ठीक है, एक न्यू एंट्री डालेंगे और ऑर्डर होगा दो, इसका सेट ऑर्डर हुआ दो, इसका ऑर्डर क्या होता है जब भी, अच्छा जब रूल होगा, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से हमको मेन रोड जाना है, मेन रोड जाते वक्त अगर हम अगर किसी को डायरेक्शन देंगे तो हम ऐसे दे सकते हैं कि हाँ यहाँ से स्ट्रेट जाइएगा, लाहकोटी मिलेगा, पहले लाहकोटी मिलेगा, उसके बाद आपको रातू रोड चौक मिलेगा, फिर रातू रोड चौक के बाद आप ऐसे करके, मतलब एक 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 लैंडमार्क की तरह उसको आप स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं आप यहाँ से जाइए आपको दुर्गा मंदिर मिलेगा, फिर आपको लाहकोटी मिलेगा, वो तो नहीं बता सकते। उसका एक सीक्वेंस है जो हम स्टेप बाय स्टेप बताएं कि हाँ यहाँ स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। उसी तरह से जब रूल एग्जीक्यूशन होता है, तो हम अगर अगर हम बता रहे हैं कि मेरा केस क्रिएट होना है और उसको बिलिंग टीम को असाइन होना है, तो हम एक रूल जो लिखेंगे वो रूल सीक्वेंस में लिखेंगे कि हाँ पहले आप जाके चेक करो कि केस नंबर जनरेट हुआ है कि नहीं, दूसरा आप चेक करो कि वो स्टेटस जो ओपन है या नहीं, न्यू है या नहीं, मान लीजिए न्यू ओपन क्या होगा तो नया नया न्यू है या नहीं, फिर चेक करेगा कि अच्छा वो जो है वो बिलिंग से रिलेटेड है या नहीं। तो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप सीक्वेंस, तो हम उसको ऑर्डर में करेंगे कि कौन सा पहले चेक होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम उसको सीक्वेंस करें, तो पहले तो चेक करना है स्टेटस न्यू, अगर नया है तभी तो करेंगे, क्योंकि पुराना है तो क्यों हम बार बार उसको बिलिंग टीम को असाइन करेंगे। सबसे पहला चेक क्या करेंगे, न्यू है या नहीं, अगर ये पास हो गया कि हाँ चलो न्यू है, तब नेक्स्ट चेक हम जाएंगे कि केस नंबर जनरेट हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर नया है और केसी नंबर नहीं है उसमें, तो फिर उसको फॉलो अप करने के लिए वो तो खो जाएगा।
जब तक कोई केस नंबर नहीं होगा कैसे पता करेगा ये किसके लिए बनाए थे, क्या रिक्वेस्ट था। तो सब नेक्स्ट नेक्स्ट चेक हम क्या करेंगे, केस नंबर है या नहीं। फिर बाद में जाके हम चेक करेंगे ठीक है ये बिलिंग से रिलेटेड है या नहीं, ये सिक्वेंस में जाएगा। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो इसी तरह से जो शॉर्ट ऑर्डर है ये पूछता है आपसे कि आपका जो ये रूल बनाने जा रहे हैं ये रूल किस स्टेप्स में एग्जीक्यूट करना है, किस सीक्वेंस में ये आपका बैठेगा, 1 में 2 में 3 में। तो एज पर द एक्सरसाइज अगर हम बात करें तो ये बोला है सेकंड नंबर जब वो उस सेकंड नंबर में रन करना है। अब बता रहा है कि ये तो हो गया ऑर्डर सेट करना स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या आता है कि क्राइटेरिया सेट करना जो रूल एंट्री है। जैसा कि हम बताएं कि क्राइटेरिया में हो गया कि हाँ स्टेटस जो है मेरा केस का वो न्यू होना चाहिए। जबकि स्टेटस न्यू होना चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा फील्ड है भाई। अभी हम अपना एग्जांपल लेके बता रहे कौन सा फील्ड है। तो मेरा फील्ड है स्टेटस, यहाँ पे केस है, केस ऑब्जेक्ट है, केस ऑब्जेक्ट में हम स्टेटस लिए, हम बोल देंगे कि ठीक है स्टेटस इक्वल्स टू न्यू। तो ये मेरा रूल क्राइटेरिया हो गया कि जब मेरा केस बने और केस का स्टेटस न्यू हो तब जाके आप इसको कीजिए। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज फॉलो करें तो क्या बोल रहा है, क्राइटेरियाज आर मेट वाला ऑप्शन लेना है जो यहाँ पे है ठीक है, ये वाला हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल बोल रहा है क्राइटेरियाज आर मेट वाला यूज करना है। दूसरा बोला है कि स्टेटस फील्ड लेना है ठीक है, ये भी स्टेटस फील्ड ले लिया है। स्टेटस फील्ड हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि ऑपरेटर जो है इक्वल्स लेना है, तो ऑपरेटर हम ऑलरेडी इक्वल्स ले चुके हैं ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि वैल्यू वैल्यू, अच्छा ये भी सेम चीज़ बोल रहा है, वैल्यू न्यू लेना है ठीक है। तो वैल्यू जो है हम ऑलरेडी यहाँ पे न्यू ले चुके हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये दो तरीका है, एक तो आप अगर आपको वैल्यू का नाम याद है एग्जैक्टली तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, दूसरा अगर आपको वैल्यू का नाम याद नहीं तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा वैल्यू दिखा देगा। तो आप यहाँ पे भी जाके जो वैल्यू चाहिए उस वैल्यू को सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। चूंकि हम ऑलरेडी एडेड ऐड किए हुए थे ये एक और ऐड कर दिया ठीक है, लेकिन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक और रूल सेट करने बोल रहा है, ये तो एक रूल सेट हो गया। अब दूसरा रूल सेट करने बोल रहा है सेकंड रो में, उसमें बोल रहा है फील्ड केस रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करने के लिए ठीक है। अब केस रिकॉर्ड टाइप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे केस में है, यहाँ पे केस में अब रिकॉर्ड टाइप पकड़ते हैं यहाँ से, केस का रिकॉर्ड टाइप आ गया। हम भी कह रहे थे भैया, तो ये नहीं मिला था हमको, ये केस रिकॉर्ड टाइप। अच्छा वो इनेबल नहीं हुआ इसलिए नहीं मिल रहा था ठीक है, वो हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे है, क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा कोई रिकॉर्ड टाइप बनाया हुआ नहीं है। तो ये जो केस रिकॉर्ड टाइप ये जो बिलिंग है ना ये पहले से कोई एक एक्सरसाइज में बना हुआ होगा, ऑलरेडी बनाए होंगे इसलिए यहाँ पे वो होता है। इससे पहले कोई एक्सरसाइज अभी यहाँ से यस सर, कि मुझे मिल गया था। ना, तो ये हम यहाँ पे एक बना देते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद बना होता है। अभी ये मेरा ऑर्ग इस ऑर्ग में नहीं है तो इसलिए वो नहीं दिख रहा है, तभी हम एक जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है एक्टिव हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से हम इसको फॉर एग्जाम्पल रिफॉर्म इसको लेते हैं, ये सब बाद में बता देंगे सब क्या होता है। अभी हम इसका अलग से एक्सरसाइज भी होगा रिकॉर्ड टाइप का, वो एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा उसको, उसमें उसमें पढ़ेंगे। यहाँ रिकॉर्ड टाइप बन गया है, चूंकि अभी पेज रिफ्रेश नहीं है मेरा तो इसमें तुरंत नहीं दिखेगा, तो हम लोग बताएंगे कैसे करते हैं।
यहाँ पे अभी फिलहाल इसको सेव कर देते हैं। अब यूजर के लिए बोला है बिलिंग क्यू, जो बिलिंग हम लोग क्यू बनाए थे। अब यहाँ पे अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा सेकंड ऑर्डर में होना चाहिए, स्टेटस अगर न्यू है और अभी आगे चलकर रिकॉर्ड टाइप ऐड करेंगे तो रिकॉर्ड टाइप जब मेरा बिलिंग है तभी ये क्या करे, मेरा जो क्यू बनाया है उस बिलिंग क्यू को असाइन कर दे। ठीक है, ये जो बिलिंग क्यू है उसको असाइन कर दे। अब इतना होने के बाद इसको सेव कर देते हैं। अब चूंकि रिकॉर्ड टाइप हम बाद में बनाए, वो पेज मेरा ऑलरेडी खुला हुआ था इसलिए वो नहीं दिखा रहा था वहाँ पे। तब दोबारा एडिट करेंगे तब मेरा पेज जो है रिफ्रेश हो गया है। रिफ्रेश होने के बाद अब यहाँ रिकॉर्ड टाइप आना चाहिए। चाबी भी नहीं आया क्या? अब तो आ गया, देखिए केस रिकॉर्ड टाइप आ गया। केस रिकॉर्ड टाइप आ गया यहाँ पे। इसको यहाँ पे इक्वल्स ही करने बोला होगा। हाँ, अब यहाँ पे बोला है बिलिंग, तो अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ बोला है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ टाइप कर सकते हैं, नहीं पता है तो यहाँ पे फिर आप यहाँ से आके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बिलिंग हो गया, अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रूल बनाए हम। उस रूल में हम बोले कि जब मेरा केस का स्टेटस न्यू हो, जब मेरा केस का जो रिकॉर्ड है वो बिलिंग हो, तब ये क्या करें, असाइन कर दो बिलिंग सपोर्ट एजेंट को। सेम यहाँ पे वही चीज़ किए कि जब मेरा केस न्यू हो, जब मेरा, तो हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिए थे, वो कंडीशन यहाँ नहीं लेना है। जब मेरा केस न्यू हो और जब मेरा बिलिंग से रिलेटेड हो तब वो बिलिंग टीम को चला जाए। तो ये एक ऑटोमेशन हो गया। या जब भी केस बनेगा, जब भी केस में ये मेरा क्राइटेरिया जो है, ये मेरा जो कंडीशन है वो मीट करेगा और मैच करेगा, ये डायरेक्ट अपने आप इस क्यू में चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक केस बनाते हैं और उसमें हम लोग केस बनाने के लिए अगर क्या करना है, ऐप लॉन्चर में जाना है तो हम लोग ऐप लॉन्चर में गए। यहाँ पे हम लोगों को केस में जाना है, केसेस में गए। उसके बाद हमें न्यू करना है, बिलिंग करना है सेलेक्ट उसमें ताकि हम लोग देख पाए। तो हम यहाँ से न्यू करेंगे, यहाँ से बिलिंग सेट है ऑलरेडी। अब यहाँ पे न्यू बनाना है हमें, इस जो मैंडेटरी है वो हम भर देते हैं, बाकी नहीं भरते हैं, मैंडेटरी भर दिए। अब यहाँ देखिए केस ओनर मेरा नाम है क्योंकि हम बना रहे हैं। जैसे ही ये सेव हो जाएगा ना तो ये केस ओनर चेंज होके हो जाएगा बिलिंग। ये बन गया केस मेरा। ठीक है, अब ये केस बन गया यहाँ पे। अच्छा, ये चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जो पेज लेआउट है ना वो डिफरेंट है। एक मिनट, इसको हम लोग स्टेटस न्यू बिलिंग, स्टेटस न्यू रिकॉर्ड टाइप क्या है? मिनट हम चेक कर लेते हैं।
सो इसको हम देख के बताएंगे यार क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे इसमें हो जाना चाहिए था। अभी हम लोग जो स्टेप्स फॉलो किए ना, ये जब बनने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरे नाम के जगह में बिलिंग वाला क्यू आ जाना चाहिए था। इसमें कुछ होगा, कहीं स्टेप कुछ मिस किए होंगे तो हम चेक करके आप लोगों को बता देंगे बाद में। तो ये समझ गए ना क्या हुआ और क्यों किए। यस ठीक है, तो ये केस असाइनमेंट रूल था। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है। ओके, ये इफ असाइन यूजिंग एक्टिव कस्टमर इज नॉट अपियरिंग व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू केस, रिटर्न टू द केस असाइनमेंट रूल इन सेटअप, एडिट द स्टैंडर्ड केस असाइनमेंट एंड अनचेक द एक्टिव चेक बॉक्स एंड सेव, आफ्टर सेविंग चेक द एक्टिव चेक बॉक्स अगेन एंड सेव, दिस टॉगल विल इंश्योर द केस असाइनमेंट कस्टमर अपीयर्स व्हेन। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हुआ। तो वो ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर अगर ये काम नहीं करे तो हम लोग को एडिट करना है। एडिट करने के बाद इसको फॉल्स करना है, अनटिक करना है, सेव करना है, फिर से वापस से एडिट करना है और फिर से इसको टिक करना है, सेव करना है। ये कभी कभी होता है सिस्टम में, जैसा कि मेंशनड है वो, कि अगर वो ऑटोमेटिक एक्टिव नहीं होता है ऑलरेडी अगर है तो। अब अगर हम फिर से स्टेप फॉलो करें केस बनाने का, तो ऐप लॉन्चर में गए, केसेस में गए, अगेन हम न्यू करते हैं, न्यू किए, ये ठीक है, इसको हम ऐसे किए, इसको सेव करते हैं, अब हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे क्यों नहीं हो रहा बाद में, ये हो जाना चाहिए था। ऑलराइट, ये मेरा चेक करने का बात का, बट ये कॉन्सेप्ट पे ही है कि ये ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा ताकि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो। अब आते हैं एस्केलेशन रूल पे। एस्केलेशन रूल क्या होता है? जैसा कि हम लास्ट टाइम भी बताए थे कि हर एक प्रॉब्लम का एक रेजोल्यूशन डेट होता है कि कब तक आप कस्टमर को उस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करके दोगे। तो अगर हम बिल जनरेट नहीं हो रहा, हम आपके पास आए हैं तो आप बोले हैं कि 19 तारीख को सॉल्व हो जाएगा, फिर आप 19 तारीख को भी सॉल्व नहीं किए तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? तो उसके लिए क्या होता है, एस्केलेशन, एस्केलेशन मे बी एस्केलेशन पॉइंट बोल लीजिए या फिर एस्केलेशन जो एस्केलेशन पर्सन होगा उसके लिए हो गया। तो एस्केलेशन मैनेज मेनली क्या होता है ना, तो एस्केलेशन में जब भी कुछ ऐसा काम है, अब जब मैंने इस काम को पूजा को असाइन किया था, मैंने बोला था कि पूजा जो टीम लीड है 19th को आपका ये काम हो जाना चाहिए। पूजा न, न, किसी और काम में और भी बहुत सारा काम पूजा को असाइन था, पूजा भूल गई वो काम करने के लिए। तो वो क्या हुआ कि वो 19th का जो डेडलाइन है वो मिस हो गया। जब 19th का डेडलाइन मिस हो गया तो इससे क्या हुआ कि कस्टमर तो भाई रेस करेगा क्वेश्चन कि क्यों नहीं हो पाया। तो इसके लिए जैसे ही कब कभी डेडलाइन कोई मिस हो रहा हो या फिर मिस होने वाला हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि एस्केलेशन पॉइंट बनाते हैं, और उस पॉइंट पे कि हाँ जैसे कि 19 को सॉल्व होना है, अगर 18 के 18 18 के 18 तारीख के शाम होते होते में भी काम नहीं हुआ तो एक ईमेल ट्रिगर जाएगा जो कि उसके मैनेजर को डायरेक्ट चला जाएगा कि एक असाइंड था काम पूजा को जो कि 19 को खत्म होना था, आज 18 का इवनिंग हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो मैनेजर साहब आप देखिए, हो सकता है पूजा के पास वर्कलोड ज्यादा होगा तो आप उसको फिर से रीअसाइन कीजिए किसी और पर्सन को, ताकि वो उसका जो काम है वो 19 तक कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो ये क्योंकि अगेन हजारों केसेस होते हैं, हजारों प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स क्रिएट होते हैं, तो मैनुअली सबको एक एक करके चेक करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगी। डेली अगर मैनेजर को बोले कि जाओ तुम रिपोर्ट निकाल कर देखो कितना सारा ऐसा केस है जिसका कि डेट नजदीक आने वाला है लेकिन स्टेटस अभी भी न्यू है, क्लोज नहीं है, तो ये मैनेजर के लिए मैनुअली करना थोड़ा सा होगा ना, एक्स्ट्रा टाइम निकालना। इसको हम इस वे में करेंगे कि सिस्टम में ही एक
रूल बना देंगे, जिस रूल से क्या होगा कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा सिस्टम में, वो ऑटोमेटिक उस रूल के हिसाब से एक मेल ट्रिगर कर देगा, एक प्रोसेस ट्रिगर कर देगा, जिससे कि मैनेजर को पता चले कि हाँ ऐसा ऐसा 10 केस है जिसपे काम होना था, कंप्लीट होना था, जो नहीं हो पाया है। अब मैनेजर का काम है, एक मीटिंग बुलाएगा, क्यों नहीं हुआ समझेगा, फिर उसको जो फ्री बैठा हुआ या फिर जिसके पास कम काम है उसको असाइन कर देगा। तब उसके लिए क्या है, आगे एस्केलेशन रूल्स ऑटोमेटिकली एस्केलेट अ केस व्हेन इट मीट्स द क्राइटेरिया यू चूज। केनिया वुड लाइक हर कस्टमर सपोर्ट टीम टू बी नोटिफाइड व्हेन एवर अ केस रिगार्डिंग एन इशू विद परफॉर्मेंस इज लॉग्ड, सेट दैट अप फॉर देम। तो यहाँ के एक्सरसाइज के हिसाब से भी वही बताया है कि कोई भी चीज़ हो वो एस्केलेट करता है हायर अथॉरिटीज को। तो केनिया जो अभी यहाँ पे हम लोग देखे हो, जो केनिया जो बंदा है आपका, यहाँ पे हम लोग देखे ना, कोई जो मैनेजर है, ये केनिया क्या किया कि ये बता रहा है कि कस्टमर सपोर्ट को टीम को नोटिफाई करना है जब भी कोई केस जनरेट हो जो कि इसका इश्यू हो परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वाला इश्यू कैसा होता है कि हम मोबाइल यूज कर रहा है, एक एक अगेन एक लड़का है राजेश कुमार, उसका केस जनरेट हुआ है। ये बोल रहा है कि इंटरनेट जो है हैंग कर रहा है, ठीक है, हैंग कर रहा है, या फिर इंटरनेट हैंग कर रहा है, या फिर इसमें और भी हो सकता है जैसे कि मोबाइल ही हैंग कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी ऑप्शन आया कस्टमर के पास, तो मान लीजिए हम लोग दे देते हैं डेट 20, एड्रेस सेम ही दे देते हैं, ठीक है। अब जब ये केस क्रिएट हुआ एक ये जब एक केस क्रिएट हुआ तो इसमें क्या हुआ कि जो यूजर है वो यूजर को एक डेट दे दिया गया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है आपको मिल जाएगा। लेकिन सिस्टम में क्या किया, यहाँ पे बोला है कि जब भी परफॉर्मेंस रिलेटेड कुछ इश्यू आए तो उसको डायरेक्टली आप मैनेजर को ही भेज दो, ताकि क्योंकि वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा मोबाइल हैंग कर रहा, फ्रीज कर रहा, हम नहीं देख पा रहे हैं कुछ ऐसा, तो हम पूरा स्टक है, और मोबाइल आज के डेट में कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है सबके लिए, तो इसलिए वो तुरंत ऐसा ऐसा इश्यूज को वो बहुत जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करेगा आदमी। तो अब हम लोग एस्केलेशन रूल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग गियर पे जाएंगे, लेकिन सेटअप पे, सेटअप ऑप्शन पे गए, अच्छा सेम यहीं पे वापस आने के लिए नहीं आना, ये असाइनमेंट रूल्स हो जाता है और एस्केलेशन रूल्स अलग होता है। सेटअप पे गए, एस्केलेशन रूल्स पे आएंगे हम लोग, एस्केलेशन रूल्स पे आने के बाद न्यू करना है, और उसका रूल का नाम होगा सपोर्ट, एक न्यू बनाएंगे, इसमें उसका नाम देंगे सपोर्ट, और उसका चेकबॉक्स को बोलेगा करने के लिए एक्टिव, एक्टिव चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे एंड देन सेव, ठीक है। फिर चूज द न्यू सपोर्ट रूल फ्रॉम द केस एस्केलेशन रूल लिस्ट। अब यहाँ से हम लोग को वापस से सपोर्ट में जाना है, सपोर्ट में जाना है, अब सपोर्ट में जाने के बाद हमको न्यू करना है, न्यू रूल, ठीक है, न्यू रूल किए हम यहाँ पे। अब रूल जो होगा सॉर्ट ऑर्डर, इसका सॉर्ट ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि मैनेजर को लग रहा है कि ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है, और इस क्योंकि एस्केलेट होने वाला चीज़ है तो हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। अब क्राइटेरियाज मेट में ही है, केस रीजन इक्वल्स डालेंगे परफॉर्मेंस, केस रीजन डालेंगे हम इक्वल्स परफॉर्मेंस, ठीक है, कि जब भी मेरा परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई हो तब ये फायर हो। अब यहाँ पे सेव कर देंगे, अब बोल रहा नाउ अपडेट द रूल एंट्रीज ऑफ द न्यूली क्रिएटेड सपोर्ट एस्केलेशन रूल्स, क्लिक न्यू अंडर एस्केलेशन एक्शंस एंड एंटर द एज ओवर वैल्यू टू 1। अब जैसा कि हम बताएं कि इसमें ये रूल तो बन गया, अब इस रूल में हमको ये भी तो बताना होगा ना कि कौन सा केसेस जो है उसको एस्केलेट करना है। अगर हम इसको बोले हैं कि 20 तारीख को कंप्लीट हो जाना है तो 20 को ही तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि 20 को तो हमको डिलीवर करना है, हमको एक दिन पहले जानना होगा ना, 19 को जानना होगा मैनेजर को कि भाई 20 को इसको डिलीवर करना है, 19 है आज, लेकिन आज भी खत्म इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस पे एक्शन लीजिए आप, देखिए
और किसी को दीजिए ताकि ये 20 को कंप्लीट हो पाए। तो इसलिए बोल रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज में भी कि जो ऐसा जो जो इसका रूल होगा उसमें जो जो भी जिसका एज ओवर वैल्यू 1 होगा उसको एस्केलेट करना है, ठीक है। इसका एग्जांपल में जिसका भी एक दिन से ज़्यादा वाला होगा उसको करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग चेक कर रहे थे रिजर्वेशन डेट पे, अब जो ये केनिया बंदा है वो क्रिएटेड डेट पे कर रहा है। क्रिएटेड डेट पे करा है। क्रिएटेड डेट क्या होता है, जिस दिन केस सबमिट होता है, जैसे मान ली 16 है आज, तो हम सारा 16 को कर देते हैं। ना अब ये जो है मेरा टोटल 16 को ही, सारा मेरा क्रिएट हुआ 16 को। एज पर द करंट एस्केलेशन रूल, एक दिन अगर पुराना हो परफॉर्मेंस वाला तो वो उसका ये चला जाना चाहिए मैनेजर के पास। तो 16 क्रिएट हुआ मतलब अगर 17 को भी कंप्लीट नहीं होगा तो चल जाएगा। अब हम लोग वापस न्यू वहाँ पे बनाते हैं, न्यू किए, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एज ओवर 1 कर दिए, ठीक है, जो कि यहाँ बताया 1। इन द नोटिफाई दिस यूजर फील्ड सेक्शन सेलेक्ट द लुकअप देन सर्च फॉर द क्लिक ऑन योर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक हो गया। अब यहाँ पे जो जब ये जाएगा मैनेजर को कि हाँ भाई आपका जो केस था वो तो किस कौन है मैनेजर, तो अभी फिलहाल यहाँ पे सिस्टम में अपने आप को हम डाल देते हैं कि हाँ जब भी कुछ ऐसा हमको नोटिफाई कर देना, ठीक है। ये वो जो केस टीम का साइन था वो टीम से साइन होने के बाद वो डायरेक्ट मुझे असाइन हो जाएगा, और उसके बाद उसको नोटिफाई भी कर देना है, और नोटिफाई यहाँ पे होगा। नोटिफाई केस ओनर, ठीक है। अब फॉर नोटिफिकेशन सेलेक्ट द लुकअप नेविगेट टू द यूनिफाई पब्लिक केस ईमेल टेम्पलेट, बोल रहा है। अच्छा यहाँ पे अब बोल रहा है जो ईमेल भेजना है ईमेल के लिए, ठीक है। तो ईमेल क्या है, ये ईमेल अब जब नोटिफिकेशन देना है तो असाइन तो करेगा ही, प्लस मुझे नोटिफिकेशन भी तो देना चाहिए। ईमेल करेगा फिर तब तो मुझे पता चला है कि हाँ ऐसा कुछ ऐसा आया है जिसमें कि हमें नोटिफाई होना, जिसमें कि हमको एक्शन लेना है। तो इसमें ईमेल टेम्पलेट जो एग्जिस्टिंग अभी आप है उसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि एस्केलेटेड केस नोटिफिकेशन। ये भी आगे एक्सरसाइज में कैसे बनाते हैं वो देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव कर देना, सेव कर दिया। अब फिर से वही स्टेप्स है यहाँ पे क्रिएट करना है, चूंकि ये काम नहीं कर रहा, अभी क्रिएट करेंगे तो भी काम नहीं करेगा, ये हम चेक करेंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं काम किया, तो ये वाला पार्ट हम कल बता देंगे। तो ओवरऑल समझ में आ गया ना ये क्या है, असाइनमेंट रूल और एस्केलेशन रूल। यस तो इसी तरह से जब हम कल को डेट में सेल्सफोर्स का यूज करके किसी बिजनेस यूज केस में करेंगे, इस टाइप का रिकॉर्ड्स क्रिएट करना है ताकि जो भी बिजनेस प्रोसेस हो उसको हम हैंडल कर पाए और उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर पाए, इस तरह से, ठीक है। यस ओके।